फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है हमारी, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, तो देखो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिटरमिनेंट दे रखा हमें। डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू है ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी और ए माइनस आयोटा बी। ये वैल्यू हमें डिटरमिनेंट के अंदर दे रखी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 का डिटरमिनेंट है देखो, मैट्रिक्स का ये साइन होता है और डिटरमिनेंट में सिंपल ये, तो 2x2 की का डिटरमिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ से देखो, सबसे पहले इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम ए माइनस आयोटा बी से, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास माइनस सी प्लस आयोटा डी एंड सी प्लस आयोटा डी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला लगा दें इसमें भी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर और माइनस सी स्क्वेयर। तो इनको सोल्व करते हैं, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे ए स्क्वेयर माइनस वन की बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का बी स्क्वेयर, माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये माइनस डी स्क्वेयर और ये माइनस सी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस अंदर जाएगा दोनों के साइन चेंज, तो प्लस डी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर, ये आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं देखो, सेकंड पार्ट में डिटरमिनेंट दे रखा हमें, सेकंड जो पार्ट है उसमें डिटरमिनेंट दे रखा है साइन 10 माइनस कोस 10 साइन 80 एंड कोस 80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे, कोस 80 की साइन 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कोस 80 इंटू साइन 10, माइनस का साइन, साइन 80 की माइनस कोस 10 से, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का कोस 10 साइन 80, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कोस 80 साइन 10 प्लस कोस 10 इंटू साइन, सॉरी ये साइन 80 था, कोस 10 इंटू साइन 80, देखो फॉर्मूला बन गया कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 80 प्लस 10 साइन ए प्लस बी, तो 80 प्लस 10 कितना आ जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं देखो, नेक्स्ट पार्ट में भी इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और सबट्रैक्ट करना है, तो फोर्थ पार्ट करते हैं देखो, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में हमें डिटरमिनेंट दे रखा है लॉग ऑफ बी, ये बेस है हमारा ए, तो लॉग बी ए वन वन यहाँ दे रखा है लॉग ऑफ बी ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इनमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एम और बेस एन, इसको हम बोलते हैं बेस, ये लॉग का एंगल होता है, तो लॉग एम बाय लॉग एन, ये फॉर्मूला होता है हमारा, बेस वाला कहाँ चला जाता है नीचे, तो सबसे पहले तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ बी ए माइनस वन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, तो इन पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, लॉग बी बाय लॉग ए मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिखेंगे लॉग ए बाय लॉग बी माइनस वन, तो देखो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी, क्या बचेगा यहाँ से वन माइनस वन, क्या आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट देखो, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा,
सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है एक्स माइनस टू, थ्री माइनस थ्री है, थ्री एक्स एंड टू एक्स, ये हमें इक्वल टू दे रखा है थ्री के। तो डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टू एक्स की एक्स माइनस टू से। तो देखो एक्स की टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू की टू एक्स से क्या आ जाएगा माइनस फोर एक्स, फिर माइनस का साइन, थ्री एक्स की माइनस थ्री से माइनस नाइन एक्स, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा फिर प्लस का, नाइन एक्स इज इक्वल टू थ्री। इनको सोल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन एक्स, तो माइनस फोर प्लस नाइन क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस फोर प्लस नाइन प्लस का फाइव एक्स, और ये थ्री इधर आके हो जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या बचेगा जीरो। फैक्टर बनाएंगे सोल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स को टुकड़ों में तोड़ेंगे, थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, थ्री टू जा सिक्स फैक्टर बनाएंगे तो इसके ये बनेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, सिक्स और वन माइनस थ्री, इसको लिखेंगे सिक्स एक्स और माइनस एक्स, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा टू एक्स, तो ये बचेगा एक्स प्लस थ्री, इनमें से माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस थ्री भी कॉमन आ जाएगा, x प्लस थ्री और क्या बचेगा 2x माइनस, यहाँ से 2x, यहाँ से माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या होगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू वन, x की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू, एक्स की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों सेम है, हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट है हमारा 2x, 2 इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू दे रखा हमें ये वन थ्री फाइव थ्री के। तो सोल्व करते हैं, पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन की 2x से, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वन, माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 इंटू एक्स प्लस वन से इज इक्वल टू थ्री की वन से मल्टीप्लाई थ्री, माइनस थ्री की फाइव से फिफ्टीन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x से 2x स्क्वायर प्लस 2x की 1 से करेंगे तो 2x, माइनस का साइन, फिर x प्लस थ्री की हम 2x से, देखो x की पहले 2x से करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 3 की 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, अब 2 से करेंगे दोनों की तो प्लस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू ये 3 माइनस 15 क्या आ जाएगा माइनस 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। तो टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से माइनस सिक्स एक्स, ये सिक्स उधर जाके प्लस, तो माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स बाय माइनस सिक्स, कैंसिल हो जाएंगे दोनों तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, गिवन में हमें दे रखा है मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको किसके इक्वल लेके चलेंगे हम, जीरो के इक्वल, फाइव माइनस एक्स, टू एक्स प्लस वन एंड फोर,
कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होती है जब उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इसका डिटरमिनेंट हमने जीरो के इक्वल पुट किया। अब इसको सोल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। देखो x की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 5 माइनस x से, तो 5 की 4 से क्या आ जाएगा 20 माइनस माइनस x की 4 से 4x माइनस का, फिर माइनस का साइन, 2 की x प्लस 1 से क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 20 माइनस 4x माइनस अंदर जाएगा माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 4x माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये 6x उधर जाके प्लस, तो 18 इज इक्वल टू 6x, ये 6 इधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 बाय 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है मैट्रिक्स सिंगुलर है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, तो इसको डिटरमिनेंट को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, 1 1 एक्स माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 3। डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये है हमारा 1, तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का साइन, माइनस 2 की 1 से माइनस 2, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा फिर प्लस 2। अब जो बीच वाला ये एलिमेंट होता है इसके साथ में क्या लगेगा, माइनस, ये पहले ही माइनस का है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2 इंटू। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, ये एलिमेंट बचेंगे 2 ये और 2 ये, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, कितना आ जाएगा 3 माइनस x की मल्टीप्लाई 1 से x। फिर थर्ड एलिमेंट क्या हमारा 3, तो इसको लिखेंगे हम प्लस 3, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम ये लेते हैं। तो ये रूल होता है जब हम कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा हम माइनस प्लस इनके साथ क्यों लेते हैं। तो सब अब ये 3 ये कॉलम और ये रो कैंसिल, माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2, एक्स की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इनको सोल्व करेंगे 6 प्लस 2 8, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3 से 6, 2 की माइनस x से माइनस 2x, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, 3 की माइनस 2x से माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इनको सोल्व करते हैं आगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 माइनस 2x माइनस 6x, तो माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x, तो 8 डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 बाय 8, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1।